हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ASP.NET के अंदर स्टूडेंट्स, वो है कि कैसे हमने ग्रिड व्यू को PDF में कन्वर्ट करना है। तो इसके रिगार्डिंग पहले भी मैं एक ट्यूटोरियल जो है चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ कि कैसे आपने सिंपल सिंपल विदाउट फॉर्मेटिंग जो है वो ग्रिड व्यू के डेटा को आपने PDF में कन्वर्ट करना है। तो आज मैं बताऊंगा कि कैसे आप जो है, अगर आपने किसी ग्रिड व्यू के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है, तो जब आप उसे PDF में कन्वर्ट करोगे तो वो फॉर्मेटिंग जो है PDF के अंदर भी अप्लाई होगी। तो ऐसी जो एग्जांपल है वो आज मैं आपको करके बताऊंगा। तो ये मेरे पास एक रनिंग एग्जांपल है, तो हेडिंग से आपको पता चल ही गया है कि एग्जाम्पल किसके बारे में है, कन्वर्ट ग्रिड व्यू कंट्रोल डेटा इनटू PDF फाइल विद फॉर्मेटिंग। तो ये मेरे पास एक ग्रिड व्यू है जिसके अंदर मैंने जो डेटा रिट्रीव किया है वो SQL सर्वर से रिट्रीव किया है, और जो कोडिंग मैंने अप्लाई की है PDF के अंदर कन्वर्ट करने के लिए वो इस बटन के ऊपर अप्लाई की है। तो जो मैंने थर्ड पार्टी कंपोनेंट यूज़ किया है वो है आई टेक्स्ट शार्प। तो चलिए इसके ऊपर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते हैं, और ये देखिए मेरे पास जो है PDF फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। तो ये PDF फाइल लाइव कन्वर्ट हुई है ग्रिड व्यू से PDF के अंदर। तो ये देखिए जो फॉर्मेटिंग मैंने, जो कलरिंग सिस्टम मैंने ग्रिड व्यू के अंदर यूज़ किया है, सेम जो है वो मेरे पास PDF के अंदर आ चुका है। तो ये देखिए जो कलर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, सेम कलर जो है यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से जो एग्ज़ाम्पल आपने यूज़ करनी है फॉर्मेटेड PDF, तो वो कैसे करनी है, चलिए इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ और इसे क्लोज़ कर देता हूँ। एक नया प्रोजेक्ट यहाँ से लेते हैं, वेबसाइट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, या ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट, और यहाँ पे आप लोकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोल्डर का नेम फॉर्मेटेड ग्रिड व्यू PDF। तो चलिए इसको ओके कर देते हैं। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। तो राइट क्लिक करेंगे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर, ऐड ऐड न्यू आइटम, और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वेब फॉर्म। यहाँ पे आप वेब फॉर्म का नेम असाइन कर सकते हैं, मगर मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलिए मेरे पास जो है ब्लैंक वेब फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अब इसके डिज़ाइन व्यू के अंदर चलते हैं और अपना डिज़ाइनिंग वाला पार्ट पहले कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से टूल बॉक्स में से सबसे पहले एक लेबल कंट्रोल यूज़ करेंगे। तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ और लेबल की जो प्रॉपर्टी है टेक्स्ट प्रॉपर्टी, वहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टाइप कर देता हूँ रिति स्टडी हब। तो ये जस्ट चैनल की प्रमोशन के लिए है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स स्टूडेंट जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और यहाँ पे मैं साइज़ को सिलेक्ट करता हूँ। तो इस तरीके के जो वीडियो ट्यूटोरियल है प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, वो मैं अपने चैनल के ऊपर स्टूडेंट्स जो है अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप नए स्टूडेंट हैं इस चैनल के ऊपर तो काफ़ी आपको मदद मिलेगी ASP.NET सीखने के लिए। तो टेक्स्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ दोबारा से, कन्वर्ट ग्रिड व्यू डेटा इनटू फॉर्मेटेड PDF इन ASP.NET C#। तो चलिए इसका भी थोड़ा सा फॉन्ट जो बोल्ड कर देते हैं और कलर जो है वो भी चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे अब हम अपना मेन कंट्रोल यूज़ करेंगे जो है ग्रिड व्यू कंट्रोल। तो ये है मेरा ग्रिड व्यू कंट्रोल। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है अभी नहीं करनी, पहले हम यहाँ पे जो है एक बटन यूज़ करते हैं, और बटन का जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है बटन की, उस पे लिख देते हैं डाउनलोड एज PDF फाइल। और इसका भी जो बैक कलर है वो चेंज कर सकते हैं आप। और अब हमने जो है एक SQL डेटा सोर्स यूज़ करना है डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करवाने के लिए। तो ये है मेरा SQL डेटा सोर्स।
तो काफ़ी अच्छा कंट्रोल है। अगर आप एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्टिविटी करवाना चाहते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये कंट्रोल। तो चलिए, कनेक्टिविटी करवाने से पहले आपको मैं बता दूं कि कैसा डेटाबेस जो है मैं एसक्यूएल सर्वर के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ अपना एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो ये सॉफ्टवेयर भी काफ़ी अच्छा है। अगर ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस के थ्रू आप एसक्यूएल सर्वर के साथ काम करना चाहते हैं तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो एक्सप्रेस, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का ही एक सॉफ्टवेयर है। तो ये मेरे सर्वर का नेम है HPPC। तो चलिए इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो मेरी जो सर्वर के साथ कनेक्टिविटी है वो हो चुकी है। तो चलिए डेटाबेस के अंदर देखते हैं कि कौन सा डेटाबेस मैं यूज़ कर रहा हूँ आज की एग्जांपल के लिए। तो मेरा जो डेटाबेस है वो है शॉपिंग डेटा। शॉपिंग डेटा के अंदर जो मैंने टेबल यूज़ किया है वो है इनवॉइस डिटेल। तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन है मैं वो पहले आपको बता दूँ। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर कौन कौन से कॉलम यूज़ किए हैं, तो तीन कॉलम है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस। आप अपने अकॉर्डिंगली भी जो टेबल है क्रिएट कर सकते हैं, मगर अगर ये वाला आप टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए, इसके अंदर जो डेटा मैंने ऑलरेडी एंटर कर रखा है तो वो सारा डेटा ये वाला है। और इसके बाद जो है अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। आप ऐसा डेटाबेस और टेबल जो है एसक्यूएल सर्वर के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जिट कर देता हूँ। और यहाँ पे अब कनेक्टिविटी करवाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉन्फ़िगर डाटा सोर्स, और यहाँ से न्यू कनेक्शन। यहाँ पे मैं सर्वर का नेम लिखूँगा HPPC SQL Express, और यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा अपने डेटाबेस का नेम। तो मेरे जो डेटाबेस का नेम है वो आपको पता ही है, शॉपिंग डेटा। शॉपिंग डेटा को सिलेक्ट करेंगे और टेस्ट करके देखेंगे बिल्कुल ठीक है कनेक्शन। इसको ओके के ऊपर क्लिक करेंगे और अब हमने जो है नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब हमने जो है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ही रहने देनी है। यहाँ पे मेरा जो टेबल है सिलेक्ट हो चुका है, तो अब हमने कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं करनी, जस्ट सिंपली आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और एक बार टेस्ट क्वेरी करके देख लें। ये देखिए डेटा सारा रिट्रीव हो रहा है, इसका मतलब है आपकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रॉपरली हुई है। तो अब हम जो फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरा जो एसक्यूएल डेटा सोर्स है वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हो चुका है। चलिए ग्रिड व्यू का डिज़ाइन थोड़ा सा सेट कर देते हैं। यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जो फॉर्मेट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ब्राउन शुगर ही रहने देता हूँ और ओके के ऊपर प्रेस करूँगा और यहाँ से सिलेक्ट करूँगा एसक्यूएल डेटा सोर्स 1। तो चलिए एक बार एडिट कॉलम के अंदर चलते हैं और यहाँ से एक फील्ड को सिलेक्ट करेंगे और इसकी जो हेडर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है उसमें जो है टेक्स्ट को प्रॉपरली टाइप करेंगे प्रोडक्ट आईडी, और इसकी जो अलाइनमेंट है वो हम कर देते हैं सेंटर। इसी तरीके से प्रोडक्ट नेम के अंदर लिखेंगे प्रॉपरली प्रोडक्ट नेम स्पेस के साथ, ताकि देखने में आपका ग्रिड व्यू का हेडर टेक्स्ट जो है अच्छा लगे, और इसकी भी अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं। और इसी तरीके से प्राइस को लिखेंगे और इसकी भी जो अलाइनमेंट है वो सेंटर कर देंगे। चलिए ये भी प्रॉपरली हो चुका है कॉन्फ़िगर। और अब हमने अगला स्टेप क्या करना है, हमने आई टेक्स्ट कंपोनेंट को यूज़ करना है। तो वो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करेंगे। ऐड रेफरेंसेस यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो जो आई टेक्स्ट शॉप है उसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा आई टेक्स्ट शॉप पड़ा हुआ है, वहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। तो पहले जो मैंने आई टेक्स्ट शॉप यूज़ किया था वो सिंपल PDF क्रिएट करने के लिए है, और ये जो है स्पेशली एडिट किया गया है। तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ ASP.com का, जिन्होंने ये प्रोवाइड किया है आई टेक्स शॉप। तो चलिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको ओके पे क्लिक करके ऐड कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये मेरा आई टेक्स शॉप जो है प्रोजेक्ट के अंदर आ चुका है। तो इसकी जो लिंक है, डाउनलोड लिंक है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
तो चलिए अब जो है कोडिंग हमने करनी है उसके लिए बटन के ऊपर डबल क्लिक करते हैं। तो स्टूडेंट जो कोडिंग वाला पार्ट है वो भी मैंने पहले से कर रखा है, काफ़ी सिंपल कोडिंग है। पहले आपको ये चार नेम स्पेसेस यूज़ करनी पड़ेंगी, तो इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इनको मैं पेस्ट कर देता हूँ अपने स्टार्टिंग के अंदर क्लास के बाहर। तो ये वाली जो कोडिंग है ये भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको सेम एज ए फाइल मिल जाएगी, बड़े ही इजी वे के साथ आप वहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। अगली जो कोडिंग हमने करनी है वो बटन क्लिक के ऊपर करनी है, तो सिंपली इसको कॉपी करें और बटन क्लिक के ऊपर जो है आप पेस्ट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आपने फाइल का नेम अपने अकॉर्डिंगली दे देना है, जो फाइल आपकी डाउनलोड होने के बाद बनेगी उसका नाम होगा ग्रिड व्यू डेटा। तो बाकी सारा कोड जो है काफ़ी इजी कोड है, आप इंटरनेट से इसके बारे में और जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। टाइम की कमी होने के कारण मैं लाइन बाय लाइन शायद आपको ना बता पाऊँ, मगर आप जो है एक पर्टिकुलर क्लास के बारे में जैसे स्ट्रिंग रीडर क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, HTML वर्कर क्या होता है, PDF राइटर क्या होता है, ऐसे आप जो है इंफॉर्मेशन जो है गूगल से सर्च कर सकते हैं। और अगर आप सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करेंगे कोड को तभी भी ये रन होगा और बिल्कुल इजी वे के साथ चलेगा। और अगला जो कोडिंग है वो है ये ओवरराइड करना फंक्शन को। तो जब भी आप PDF में किसी कंट्रोल को या ग्रिड व्यू को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको ये वाली जो है ये वाला जो मेथड है वेरीफाई रेंडरिंग इन सर्वर फॉर्म, इसको ओवरराइड करना पड़ेगा, तभी आपके विजुअल स्टूडियो को पता चल पाएगा या ASP.NET के इंजन को पता चल पाएगा कि आप अपने यूजर डिफाइंड वे के साथ इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो चलिए जो मेरा प्रोजेक्ट है वो रेडी है स्टूडेंट्स, तो इसको रन करके एक बार देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जो डेटा है वो रिट्रीव हो चुका है SQL सर्वर से। तो चलिए इसके ऊपर अब क्लिक करके देखते हैं डाउनलोड के ऊपर। तो जैसे ही मैंने डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया तो PDF जो है मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है, इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए ये प्रॉपरली जो है फॉर्मेटेड हो चुका है ग्रिड व्यू के अकॉर्डिंगली, मगर आप अगर हेडर जो है इसको देख रहे हैं तो ये देखिए ये लेफ्ट अलाइंड है, तो इनको अगर सेंटर्ड अलाइन करना चाहते हैं आप तो फिर से दोबारा से इसको ग्रिड व्यू को सिलेक्ट कीजिए और इसके हेडर स्टाइल के अंदर आप जाइए और इसका जो हॉरिजेंटल अलाइनमेंट है उसको सेंटर्ड कर दें। और अब इसको दोबारा से रन करें और अब जब हम डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो हमारे पास PDF डाउनलोड होगी उसके अंदर जो हेडर है वो प्रॉपरली अलाइंड होगा सेंटर्ड के अंदर। तो इस तरीके से जो है आप बड़े ही इजी वे के साथ फ्रेंड्स स्टूडेंट किसी ग्रिड व्यू को फॉर्मेटेड PDF के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन प्रेस कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए, आपकी फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि आपको कैसे ट्यूटोरियल जो है ASP.NET के अंदर जो है अपकमिंग डेज के अंदर चाहिए, ताकि मैं उनको प्रिपेयर करके चैनल के ऊपर अपलोड कर सकूं जो आपके लिए भी हेल्पफुल हो और अदर सब्सक्राइबर के लिए भी हेल्पफुल हो। तो थैंक्स फ्रेंड फॉर सपोर्टिंग अस और वॉचिंग अवर वीडियोज़ एंड लर्निंग ASP.NET।